हॉलीवुड डायरी के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सभी द्वारा इंसीडियस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को दिए गए पॉजिटिव रिस्पांस के लिए हम तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। और आज हम आप लोगों के लिए इंसीडियस चैप्टर 3 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इंसीडियस चैप्टर 3 मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर हैं ले वैनल। इन्होंने इंसीडियस सीरीज में स्पेक्स का किरदार निभाया है। यह फिल्म स्पेक्स यानी ले वैनल की डायरेक्टोरियल डेब्यू भी थी। इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में डर्मट मुलरोनी और स्टेफनी स्कॉट हैं, जिन्होंने सीन ब्रैनर और क्विन ब्रैनर का किरदार निभाया है। इसके अलावा एंगस सैमसन, ले वैनल और लिन शाये इस बार भी अपने किरदारों यानी टक्कर, स्पेक्स और एलिस का किरदार निभाते नजर आए थे। मूवी इंसीडियस चैप्टर 2 में दिखाया गया था कि जब जॉश छोटा बच्चा होता है और एलिस जॉश की हेल्प करती है, जॉश दूसरी दुनिया में ट्रैवल कर सकता है। ये जानने के बाद एलिस जॉश की इससे संबंधित सारी यादें मिटा देती है। और फिर इसके कई सालों बाद जब डॉल्टन कोमा में चला जाता है, तब एलिस को जॉश की माँ एक बार फिर से बुलाती है। इंसीडियस चैप्टर 3 में इसके बीच की कहानी को दिखाया गया है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम एलिस जॉश की हेल्प करने आई थी तब वह अकेले थी, और बाद में उसे दो पार्टनर्स स्पेक्स और टकर मिलते हैं जो कि डॉल्टन के टाइम पर एलिस के साथ होते हैं। आगे की कहानी को एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको बता दें कि हम इंसीडियस चैप्टर 3 मूवी को पूरी तरह से हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इसलिए ये एपिसोड स्पॉइलर से भरा हुआ है। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि एक टीनेजर क्विन ब्रैनर जो एलिस के घर जाती है और उससे हेल्प मांगती है। एलिस पहले तो उसे मना कर देती है, लेकिन फिर उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाती है। क्विन ब्रैनर एलिस को बताती है कि उसकी माँ, जिसकी मौत 1.5 साल पहले हो गई थी, वो उससे बात करना चाहती है। क्विन अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और वो अभी भी अपनी माँ को अपने आसपास महसूस करती है, यहाँ तक कि उसके घर में कई अजीब घटनाएं भी होती हैं। क्विन एलिस को बोलती है कि ये सब एक प्रकार के साइन हैं कि उसकी माँ उसके आसपास है, इसलिए वो अपनी माँ से बात करना चाहती है। एलिस जब क्विन की माँ से संपर्क करने की कोशिश करती है तो वो बुरी तरह से डर जाती है, और वो क्विन को बोलती है कि तुम मेरी सलाह मानो तो कभी भी अपनी माँ को खुद से संपर्क करने की कोशिश मत करना। एलिस उसे बताती है कि जब हम किसी मरे हुए को बुलाते हैं तब हमारी आवाज़ सिर्फ वही नहीं सुनता बल्कि सारे मरे हुए लोग सुन पाते हैं, और इसलिए कई बार कई बुरी प्रेतात्माएं भी हमारे पास खींची चली आती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्विन सो रही होती है और फिर किसी आवाज़ से उसकी नींद खुलती है, और इस बार भी उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसकी माँ उसके आसपास हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्विन के डैड उसकी माँ के ना होने के कारण सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा रहे होते हैं, और अगली सुबह वो चाहते हैं कि क्विन अपने भाई को स्कूल के लिए तैयार करने में उनकी मदद करे। लेकिन क्विन उनकी इस बात से नाराज़ हो जाती है, क्योंकि वो अपने ऑडिशन की तैयारी कर रही थी जो उसे एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लेने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के हेक्टर को देखते हैं जो क्विन को पसंद करता है, और क्विन भी उसे लाइक करती है। इसके बाद क्विन ऑडिशन में बुरी तरह फेल हो जाती है, जिस कारण उसका एक्टिंग स्कूल में एडमिशन का सपना पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। क्विन इस बात से बहुत दुखी हो जाती है और वो इसका जिम्मेदार अपने पिता को समझती है। तभी रोड पर अपनी फ्रेंड मैगी के साथ जाते समय उसकी नज़र एक डीमन पर पड़ती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि कोई बुरी आत्मा क्विन के पीछे है जो उसे फॉलो कर रही है, और तभी क्विन का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। क्विन एक्सीडेंट पे बुरी तरह जख्मी हो जाती है, और फिर बेहोशी में उसे सपने में भी वही बुरी प्रेतात्मा दिखती है और वो डर कर जाग जाती है। आगे जब क्विन की हालत स्टेबल हो जाती है, वो अपने पिता को बताती है कि एक्सीडेंट से पहले उसने किसी को देखा था जो कि ऑडिशन के समय भी थिएटर में था। और फिर 3 हफ्तों बाद क्विन अपने घर आती है, लेकिन दोनों पैरों में फ्रैक्चर होने के कारण क्विन चल नहीं पा रही थी, इसलिए उसे व्हीलचेयर पर लाया गया था। तभी क्विन के पड़ोसी हैरी की वाइफ क्विन को बोलती है कि मैंने भी उसे सुना जो सांस नहीं ले पाता, यहाँ वो स्टीमन की बात कर रही थी। वो यह भी बताती है
कि कल वो तुम्हारा नाम पुकार रहा था और वो अभी भी तुम्हारे रूम में ही है। ये बातें सुनकर क्विन थोड़ा डर जाती है, यहाँ तक कि अपने फ्लैट में एंट्री के टाइम पर जब हेक्टर और मैगी उसका वेलकम करते हैं तब भी वो उस शैतान को लेकर चिंता में होती है। इसके बाद रात में जब क्विन सो रही होती है तभी उसके ऊपर वाले फ्लोर से किसी के चलने की आवाज़ आती है जिससे उसकी नींद खुल जाती है, और फिर उसके पिता ने जो बैल उसे दी थी उन्हें बुलाने के लिए वो अपने आप ही बचता है। इसके बाद हम फिर से क्विन के पीछे उस शैतान को देख पाते हैं और तभी क्विन के पिता वहाँ आ जाते हैं उस बैल की आवाज़ के कारण। यहाँ क्विन ये महसूस करती है कि उसके साथ होने वाली ये अजीबोगरीब घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अगली रात जब एली सो रही होती है तभी उसे क्विन के बारे में ऐसा एहसास होता है कि क्विन बहुत ही बड़ी मुश्किल में है, और वहीं दूसरी तरफ क्विन अपने बेड पर होती है, वो अपनी दीवार पर नॉक करती है तभी उसे इसका जवाब भी नॉक करते हुए ही मिलता है। क्विन को लगता है कि हेक्टर ने किया है और वो हेक्टर को मैसेज करती है, तभी हेक्टर उसे रिप्लाई करता है कि वो अपने घर पर नहीं है। क्विन इस बात को समझ नहीं पाती कि उसे रिप्लाई किसने किया था और फिर वो सो जाती है। तभी वो शैतान पहले क्विन को डराता है और फिर उसके ऊपर वाले सीलिंग से जोर से आवाज आती है, उसकी ऊपर वाली सीलिंग क्रैक भी हो जाती है। ये सबसे डरकर क्विन जोर से चिल्लाती है, तभी उसके पिता वहाँ आते हैं और फिर उस घर के ऊपर वाले फ्लैट में जाते हैं। तभी वहाँ उन्हें पता चलता है कि ऊपर वाले फ्लैट में कोई नहीं रहता, वो बंद पड़ा रहता है। लेकिन तभी क्विन के पिता की नज़र एक पैरों के निशान पर जाती है जो कि कीचड़ से सना हुआ होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्विन बहुत चिंतित होती है और वो अपने पिता को बताती है कि उसने अपनी मरी हुई माँ से संपर्क करने की कोशिश की थी और उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ ने रिप्लाई भी किया था। क्विन उन्हें बताती है कि इसके बाद उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं भी शुरू हो गई थी और वो पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट एलिस से भी मिली थी। क्विन के पिता उसे ये सब बंद करने को बोलते हैं। वो क्विन को यह भी बोलते हैं कि एलिस जैसे लोग ढोंगी होते हैं और ये लोग सिर्फ ठगी करते हैं। फिर क्विन अपने पिता पर और नाराज़ हो जाती है। क्विन बोलती है कि वो उसकी माँ को मिस भी नहीं करते, ऐसा दिखाते हैं जैसे वो कभी थी ही नहीं। आगे हम देखते हैं कि रात में एलिस को क्विन की चिंता होती है और वो क्विन की हेल्प करने का निर्णय लेती है। हालांकि एलिस ने अपने पति के मौत के बाद ये सब करना बंद कर दिया था और वो फिजिकली भी इतनी स्ट्रांग नहीं रही थी, लेकिन तब भी वो उसकी हेल्प करने का निर्णय लेती है। एलिस क्विन की माँ से संपर्क करने की कोशिश करती है और तभी उसे कुछ एहसास होता है। फिर एलिस के घर में भी वैसे ही कीचड़ से सने पैरों के निशान दिखते हैं जैसे कि क्विन के रूम के ऊपर वाले फ्लैट में मिले थे। एलिस पैरों के निशान के पीछे बेसमेंट में मौजूद रीडिंग रूम में जाती है और फिर वहाँ वो ऑक्सीजन मास्क पहने वाला शैतान एलिस पर अटैक कर देता है। एलिस बहुत ही डर जाती है और वो वहाँ से भागती है। उसे ये लगता है कि वो क्विन की कोई भी मदद नहीं कर पाएगी। इसके बाद अगले दिन क्विन अपनी फ्रेंड मैगी से वीडियो चैट कर रही होती है, तभी मैगी क्विन के बाजू में किसी को नोटिस करती है और वो क्विन को पूछती है कि तुम्हारे बाजू में कौन है। तभी वीडियो चैटिंग रुक जाता है और फिर क्विन को वो शैतान दिखता है। यह शैतान क्विन को उसके बेड से उठाकर जमीन पर पटक देता है। इससे पहले कि क्विन को कोई और नुकसान पहुंचता उसके पिता वहां आ जाते हैं। क्विन अपने पिता को बताती है कि इस शैतान ने उसे बेड से नीचे फेंका है। क्विन उन्हें यह भी बताती है कि उसे लगता था कि उसकी माँ है जो उसे रिस्पॉन्स करती है, लेकिन वो उसकी माँ नहीं, यह शैतान था। आगे हम देखते हैं कि क्विन के पिता हैरी के पास जाते हैं क्योंकि उसकी वाइफ की मृत्यु हो गई है। रात को जब क्विन सो रही होती है तभी उसके ऊपर वाले फ्लोर पर फिर से किसी के चलने की आवाज़ से क्विन की नींद खुल जाती है। क्विन डर के खुद को ब्लैंकेट से ढक लेती है और जब क्विन ब्लैंकेट हटाती है वो खुद को ऊपर वाले फ्लोर में उसी बंद फ्लैट के सामने पाती है। क्विन जब वहाँ से भागने की कोशिश करती है तभी वो शैतान क्विन के व्हीलचेयर को खींचते हुए क्विन को उसी फ्लैट के अंदर ढकेल देता है। क्विन डर के मारे जोर जोर से चीखती है, वो अपने पिता को आवाज़ भी लगाती है। तभी वहाँ क्विन को उसकी ही उम्र की एक लड़की दिखती है जिसके फेस पर आँखें, नाक, मुंह कुछ भी नहीं होता। वो धीरे धीरे क्विन के पास आती है। इसी दौरान क्विन के पिता उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ आ जाते हैं। क्विन अपने पिता को ये सब बताती है
और उस रूम में कीचड़ से सने पैरों के निशान होते हैं जो खिड़की तक जाते हैं। क्विन के पिता जब खिड़की के नीचे देखते हैं तो उन्हें नीचे किसी की बॉडी दिखती है, और फिर जब क्विन नीचे देखती है तो वो शैतान फिर से क्विन को नीचे खींचता है। क्विन के पिता किसी तरह क्विन को बचाते हैं। नेक्स्ट डे क्विन के पिता एलिस के पास जाते हैं ताकि वो क्विन की हेल्प कर सकें। एलिस उन्हें बताती है कि एक साल पहले उसके पति ने आत्महत्या कर ली थी, और एलिस अपने पति से कुछ सवाल पूछना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी। इसलिए एलिस अपने हुनर का इस्तेमाल कर मरे हुए लोगों की दुनिया में गई, लेकिन वो दुनिया जीवित लोगों के लिए नहीं थी, इसलिए एलिस के साथ एक शैतान भी उसके पीछे पीछे यहाँ आ गया। इसके बाद जब भी एलिस ने अपने हुनर का इस्तेमाल करने की कोशिश की, एक शैतान औरत का प्रेत उसे हर बार दिखता है और उसे डराता है और उसे बोलता है कि वो एलिस को मार देगा। इसलिए एलिस अब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन क्विन के पिता के रिक्वेस्ट करने पर एलिस ना चाहते हुए भी क्विन के पास जाती है। एलिस क्विन को बताती है कि उसने क्विन की मदद करने की कोशिश की थी, और एलिस को एक शैतान दिखा था जो ऑक्सीजन मास्क पहने हुए था। और इसके बाद एलिस क्विन की हेल्प के लिए द फर्दर यानी मरे हुए लोगों की दुनिया में जाती है। वहाँ एलिस का इंतज़ार वही औरत भी कर रही होती है। वो औरत एलिस पर अटैक कर देती है। वो एलिस का गला घोंटकर एलिस को मारने की कोशिश करती है, पर एलिस इस बार भी किसी तरह बच जाती है। यहाँ हम आपको बता दें कि औरत कोई और नहीं बल्कि पार्कर का ही प्रेत है जो एलिस को मारने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद एलिस बहुत अधिक डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। आगे एलिस अपने दोस्त काल से मिलती है। काल के पास भी एलिस के समान ही सुपरनेचुरल शक्तियाँ होती हैं। यहाँ हम आपको याद दिला दें कि काल और एलिस ने ही इंसीडियस चैप्टर 2 में बच्चे जॉश की हेल्प की थी। एलिस काल को जॉश की फ़ोटो दिखाते हुए बताती है कि जॉश के पीछे जो शैतान औरत थी वो एलिस को मारना चाहती है, और जब भी वो किसी की हेल्प करने के लिए फर्दर में जाती है वो एलिस पर हमला करती है। एलिस उसे बोलती है कि अगर वो दूसरों की हेल्प करती रही तो ये औरत एक दिन उसे मार देगी। तभी काल एलिस को समझाता है कि एलिस उससे ज़्यादा शक्तिशाली है, और एलिस के पास जो गिफ्ट है वो दूसरों की हेल्प करने के लिए है, इसलिए उसे लोगों की हेल्प करते रहना चाहिए। एलिस क्विन की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्विन के पिता एलिस के जाने के बाद टकर और स्पेक्स नाम के दो ब्लॉगर्स को बुलाते हैं जो खुद को भूत पकड़ने वाला बताते हैं। ये दोनों क्विन पर कैमरा और बाकी सारे उपकरण लगाते हैं ताकि वहाँ होने वाली गतिविधियों को ट्रैक कर सकें। फिर रात में अजीबोगरीब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। वो शैतान पूरी तरह से क्विन पर हावी हो जाता है। क्विन अपने ऊपर से कैमरा हटा देती है, और फिर स्पेक्स टकर और अपने पिता पर अटैक कर उन्हें घायल कर देती है। इसके बाद क्विन अपने पैरों पर लगे प्लास्टर को भी तोड़ देती है। क्विन के पैर के फ्रैक्चर के कारण वो प्रॉपर तरीके से चल भी नहीं पा रही होती। पहले वो शैतान क्विन को उसके पिता को ठेस पहुंचाने वाली बातें बोलता है, और फिर क्विन को अपना गला काटने पर मजबूर कर देता है। इससे पहले कि क्विन खुद को नुकसान पहुंचाती, ये लोग किसी तरह क्विन को रोकते हैं और उसे रस्सियों से बांध देते हैं। इसी दौरान हमें क्विन के मुंह में उस शैतान की आंखें दिखती हैं। ये सब देखकर टकर और स्पेक्स डर जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को शैतानी शक्तियों को हैंडल करने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। क्विन के पिता इन दोनों को घर से निकाल रहे होते हैं कि तभी वहाँ एलिस आ जाती है, और वो इन लोगों को रोक लेती है। एलिस क्विन के पिता को बोलती है कि हमें इनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद एलिस बताती है कि ये शैतान कई साल पहले इसी बिल्डिंग में रहता था, और ये एक बहुत ही शक्तिशाली शैतान है। नॉर्मली प्रेत लोगों की बॉडी को पोजेस कर उस दुनिया से हमारी दुनिया में आना चाहते हैं ताकि वो उस शरीर में वापस आ सकें, लेकिन ये शैतान अलग है। ये लोगों की आत्माओं को अपने साथ मरे हुए लोगों की दुनिया में ले जाना चाहता है, और एक्सीडेंट के बाद क्विन की हाफ सोल को यह अपने साथ दूसरी दुनिया में ले गया है। एलिस क्विन की मदद के लिए वापस से द फर्दर में जाती है। वहाँ उससे एक लड़की की डरी हुई प्रेत मिलती है जो पहले इसी बिल्डिंग में रहती थी, और उसे शैतान ने आत्महत्या करने पर मजबूर किया था। फिर इस शैतान ने उस लड़की के प्रेत को अपना गुलाम बना लिया था, और अब वो क्विन को भी अपना गुलाम बनाना चाहता है।
उस लड़की के प्रेत की मदद से एलिस आगे बढ़ती है। तभी एलिस पर पार्कर का प्रेत, जो कि ब्लैक वेडिंग ड्रेस पहने एक औरत बना होता है, हमला करता है और एलिस को मारने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार एलिस उसे अपने पर हावी नहीं होने देती और उसे हराकर वहां से जाने को मजबूर कर देती है। इसके बाद वहां एलिस को उसका पति जैक मिलता है। एलिस जैक को देखकर इमोशनल हो जाती है। फिर जैक एलिस को आत्महत्या करने के लिए चाकू देता है ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ जैक के साथ रह सके। तभी एलिस ये समझ जाती है कि ये जैक नहीं है बल्कि वो शैतान है, क्योंकि जैक कभी उसे आत्महत्या करने के लिए नहीं कहेगा। एलिस उस चाकू से उस शैतान पर ही हमला कर देती है। एलिस उस शैतान को बोलती है कि उसे क्विन को आज़ाद करना ही होगा। तभी हम वहाँ क्विन की हाफ सोल को देख पाते हैं, जिसे उस शैतान ने गुलाम बना लिया है। उसके फेस पर आँख, नाक, कान, मुंह नहीं होता है। इससे हमें यह पता चलता है कि खाली पड़े फ्लैट में क्विन ने जिसे देखा था वो क्विन की ही हाफ सोल थी, जो क्विन के पास वापस आने की कोशिश कर रही थी। यहाँ एलिस उस शैतान से क्विन की हाफ सोल को छुड़ाकर भागती है। तभी वो शैतान एलिस पर हमला कर देता है, लेकिन एलिस वापस से उस शैतान पर हमला कर क्विन की हाफ सोल को लेकर उसके बॉडी के पास ले आती है। एलिस वापस से इस दुनिया में आ जाती है, पर क्विन नहीं आ पाती क्योंकि वो शैतान वापस आकर क्विन की हाफ सोल को पकड़ लेता है। यहाँ वो शैतान क्विन पर पूरी तरह से हावी होने लगता है, जिससे क्विन की जान भी जा सकती है। यह सब देखकर क्विन का पिता बहुत ही घबरा जाता है। वो एलिस को क्विन की मदद करने को बोलता है। एलिस उसे बोलती है कि अब यहाँ क्विन को उस शैतान को खुद हरा कर वापस आना होगा। ये सभी इसी दुनिया में क्विन के हाथ को पकड़कर उसे सपोर्ट करते हैं ताकि वो शैतान से लड़ पाए। लेकिन क्विन लगातार वीक होती जाती है और इन लोगों की कोई भी आवाज़ क्विन तक नहीं पहुंच पाती। तभी एलिस को हैरी की वाइफ, जिसकी अभी अभी मौत हुई थी, क्विन की डायरी के बारे में बोलती है। एलिस के पूछने पर क्विन का पिता बताता है कि हाँ, यहाँ रिसेंटली हमारे पड़ोसी की वाइफ की डेथ हुई है। एलिस हैरी की वाइफ की मदद से क्विन की डायरी से उसकी माँ के लेटर को निकाल कर पढ़ती है। फिर एलिस क्विन की माँ को क्विन की हेल्प करने को बोलती है। तभी हम देखते हैं कि द फादर में क्विन की माँ क्विन के पास आती है और उसके कानों में कुछ बोलती है। अपनी माँ की हेल्प से क्विन स्ट्रांग हो जाती है और वो उस शैतान को हराकर वापस इस दुनिया में आ जाती है। तभी एलिस क्विन को बताती है कि उसकी माँ यहाँ मौजूद है और वो हमेशा क्विन और उसके पिता के साथ ही रहेगी। यहाँ तक कि क्विन के ऑडिशन के टाइम पर भी क्विन की माँ वहाँ मौजूद थी। लेकिन अब क्विन और उसके पिता को लाइफ में आगे बढ़ना होगा। इसके बाद क्विन और उसके पिता बहुत खुश हो जाते हैं। ये लोग एलिस को थैंक्स भी बोलते हैं। तभी इसी दौरान टकर और स्पेक्स के सहयोग से एलिस भी बहुत खुश हो जाती है और एलिस उन दोनों को बोलती है कि हम एक टीम बनकर आगे लोगों की हेल्प करेंगे और अपना बिजनेस भी बढ़ाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एलिस रात को सोने जा रही होती है और तभी वो अपने पति जैक के स्वेटर को देखकर इमोशनल हो जाती है। उसकी यादों को मिस भी करती है। तभी एलिस का कुत्ता बाहर की तरफ देखकर भौंकता है। जब एलिस उस तरफ देखती है तो उसे एक शैतान नजर आता है। यहाँ हम देखते हैं कि एलिस के पास वो लाल कलर वाला शैतान होता है, जिसे हमने इंसीडियस चैप्टर 1 में देखा था, जिसने डॉल्टन को कैद कर रखा था। और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। यहाँ हम आपको बता दें कि इंसीडियस के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग इसके बाद एलिस डॉल्टन की फैमिली के पास जाती है और डॉल्टन की हेल्प करती है। हॉलीवुड डायरी द्वारा बनाया ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। यदि आपने हॉलीवुड डायरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। और जी हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हम फ्यूचर में कोई भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। हॉलीवुड डायरी को प्यार देने के लिए शुक्रिया। खुश रहिए, आबाद रहिए। गुड बाय।